गाइस, दिस इज मी यामिनी सक्सेना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज ना क्या है, मम्मी गणेश जी का विसर्जन कर रही हैं अपने यहाँ, जो मैंने बताया था ना उन्हें रखे हैं, बट मैं करूँगी कल। तो मेरे पास एक दिन और है। बट क्या हुआ ना, एकदम से हमारी वैक्सीनेशन, पहले तो बुक ही नहीं हो रही थी वैक्सीन, बट अब बुक हुई है ना, तो आज ही की बुक हो गई है। तो आज अभी बज रहे हैं 10:25 और हमारी वैक्सीन का टाइम है 10:30, तो सिर्फ 5 मिनट रह गए। और मैंने जल्दी जल्दी पूजा करी है, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं आज। और अभी हम लोग बस निकल रहे हैं वैक्सीन के लिए, और जो भी चीज़ें बीच बीच में होती रहेंगी वहाँ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए और इन्जॉय कीजिए इस वीडियो को। सो लेट्स कम विद मी गाइस। तो यहाँ ना मैं जल्दी जल्दी पूजा कर रही थी, क्योंकि वैक्सीन के लिए सिर्फ 5 मिनट ही रह गए थे। तो फिर बस ये जल्दी जल्दी जैसे जैसे कर रही थी मैं। शायद कौन है पूजा करने वाला, मिट्टू बैठे जी, मिट्टू करता है दीदी की शायद पूजा है ना। और मैं जब भी पूजा करती हूँ ना, अपने पास अपने मिट्टू को बिठा लेती हूँ, और यहाँ पर मैं भोग लगा रही थी, क्योंकि ना मिट्टू फिर बहुत चिल्लाने लगता है मैं नहीं दिखती तो इसलिए। और यहाँ पर मिट्टू बैठे हैं, इन्होंने प्रसाद भी खा लिया है, बट फिर भी अभी ये ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे हुए हैं ना। और आज पता है ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं बना है। मैं सोच रही हूँ भगवान जी का भोग ना ब्रेड बटर से लगा दूँ, और हम लोग ये ना कल की बची हुई सेवई खाएंगे, क्योंकि इतनी सारी सेवई बच गई ना, और यार वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता यार। किसी किसी को तो खाना भी नहीं मिलता यार, हम लोग ऐसे वेस्ट करें इतना सारा अन्न, तो फिर बहुत गलत है ना। तो इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड तो वो जो कल की सेवई बची है वो खाएंगे, भगवान जी का भोग हम लोग लगा देंगे आज ब्रेड बटर से, क्योंकि बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं। मौसम देखो अब कैसा हो रहा है, वरना तो मैं बाहर से ही कुछ मंगवा लेती। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही कर देती हूँ, उसके बाद देखेंगे। भगवान जी भी जानते हैं आज थोड़ा सा जल्दी में है तो ऐसा हो रहा है, अदरवाइज़ तो मैं अच्छे से ही करती। बट चलिए अभी पहले मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ आगे। अब ना यहाँ पे मैं ना जल्दी जल्दी मम्मी के घर के लिए निकल गई थी, क्योंकि हम सबको जाना था वैक्सीन लगवाने। मम्मी का तो नहीं है ना वैक्सीन डे? नहीं। प्रसाद प्रसाद को तो क्या खाने चीयर्स करके वैक्सीन लगवाने जा रहे हम सारे लोग। मेरे को सबसे ज्यादा डर इसको और मुझे है। दो लोग और भी हमारे वैक्सीन लगवाने वाले। अबे जल्दी कर लो यार, तेरी भी है ना वैक्सीन। लेकिन जल्दी चलो हाँ यार चलो जल्दी चलो जल्दी करो, टाइम हो गया। चलो जल्दी कर लो यार, फिर वो लोग गुस्सा हो गए, लेट हो रहे हम लोग। इतने खुश होके जा रहे हैं सारे वैक्सीन लगवाने। मैं तो मैं भी खुश नहीं हूँ, ये मेरे ना डर के पहले वाली खुशी हंसी है। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, मुझे तो बहुत डर लगता है। यहाँ हो रही है लड़ाई। अरे 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 टूट जाएगी, लग जाएगी लग जाएगी। वैक्सीन यही लग रही है? हम ऑलरेडी लेट हो गए थे, और हम लोग को लाइन में लगना पड़ा, लाइन भी लगी हुई थी वहाँ पे, तो इसीलिए। और ना यहाँ ना कैमरा ना अलाउ नहीं कर रहे थे, मैंने चुपचाप से वीडियो ली, क्योंकि आप लोग को भी तो दिखानी होती है ना इस वजह से, वरना मैं ऐसे काम कम ही करती हूँ। बट फिर भी मेरे को लेनी थी वीडियो, इसलिए मैं यहाँ पे ना चुपचाप से कैमरा ऑन कर रही थी। और ये देखिए मेरी लग चुकी थी सबसे पहले, उसके बाद चिंपू की लगी, फिर पांडे की लगी, उसके बाद दादा की लगी, और एंड में नंबर था स्नेह का। मतलब और ना स्नेह को हम लोग वेट करते रहो, स्नेह आया ही नहीं, बहुत देर हो गई बहुत देर हो गई। उसके अलावा एक और अंकल आ गए, फिर एक और आंटी आ गई, बट हम लोग सोचे स्नेह को क्या हो गया, पता नहीं कहीं रो तो नहीं रहा या क्या हो गया। फिर थोड़ी देर बाद चिंपू और पांडे दोनों उठ के गए और चेक करा कि स्नेह क्यों नहीं आया है। फिर ये लोग ना स्नेह का देखने गए तो उसको लेकर आए, तब हम लोग की जान में जाना ही, हमें लगा पता नहीं क्या हो गया इसको, रोने लग गया है क्या हो गया इस वजह से ये नहीं आया है। तो उसके बाद चलो थैंक गॉड ये लोग आ गए थे, और हम लोग ने इसको फिर बहुत चिढ़ाया। स्नेह ना लेट इसलिए हुआ था क्योंकि एक बुढ़ी सी आंटी आ गई थी, उनके वैक्सीन लगनी थी, इस वजह से लेट हुआ था, वरना और कोई इशू नहीं था। कैसा रहा सबका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। स्नेह ने बस रोते रोते सुसु कर दी। झूठे तूने रोते रोते सुसु नहीं करी बाहर? बिल्कुल सुसु करके आया था, वो फिर कह रहा है बारिश में भीग गया जबकि बारिश हो भी नहीं रही। सेकंड डोज किसने लगाई है? अच्छा नाम तो लिखा था क्या? शिवानी। शिवानी ने सेकंड डोज लगाई है। शिवानी का नंबर भी लिखा है, व्हाट्सएप कर देना उसे, हाय शिवानी। ये तो है ही छिछोरे वैसे भी। इट फेल्ट गुड। फिर आपको दर्द नहीं होगा वैक्सीन का, ये तो है ही छिछोरे वैसे भी है ना।
चलने थर्ड डोज भी लगा दो मेरे अभी लगा दे चलने प्लीज वो इंजेक्शन चार बार ऐसे कर मैक्स वाली से भी अच्छी वैक्सीन लगाई और यहाँ ना हम सब मिलके ना पांडे को इतना छेड़ते हैं ना तो वही सब हो रहा था इसने चिप वगैरह ना उसका हाथ पकड़ पकड़ के जबरदस्ती रोक रहे थे क्योंकि ना उसको परेशान करने के लिए बस मतलब मस्ती एक तरह से वैसे परेशान नहीं इनका नाम हो गया झंडपा यहाँ तैयारी चल रही है शाम के भोग की ये सब फैला पड़ा इसलिए क्योंकि शाम को हो रहा है गणेश जी का विसर्जन और यहाँ मम्मी लगी हुई है भोग का सामान बनाने में और चिंपू यहाँ पे लगी हुई है मैं पापा के सैंडविच बना रही हूँ मैंने चॉकलेट भी बनाई है चॉकलेट बनाई है तूने अच्छा कौन सी चॉकलेट बनाई है मैंने वो आलमंड वाली आलमंड चॉकलेट है कहाँ पे फ्रीजर में रखी है अच्छा चलो एक बार दिखा दूँ दिख जाएगी ओ भरा हुआ है अभी दिखाऊंगी जब बाद उसको में मैंने हाँ। की पर वो आई नहीं काफी ठीक है जब वो करेंगे और ये हम लोग की वैक्सीन लगी है तो हमारे नाश्ते पानी का इंतजाम हो रहा है कि हम लोग जंग लड़कर आए हैं और ये देखिए यहाँ पे मैं अपने बप्पा को भी दिखाती हूँ जो आज हमारे यहाँ से चले जाएंगे बट कोई बात नहीं वो अगले साल फिर से आएंगे और वैसे भी हमारे साथ तो रहेंगे ही बट फिर भी आज जाएंगे तो थोड़ा सा दुख लगेगा ये कॉलेज का पला क्या क्या है हमारे लिए खांडवी मिठाई चाय बिस्किट और चिंपू भी ला रही है सैंडविच भूख लगा के अरे बस इतना मत रखो वैक्सीन ही लगी है ऑपरेशन होकर नहीं आया है यहाँ पे चिंपू सैंडविच भी ले आई थी और पता है क्या होता है हम लोग जब वैक्सीन वगैरह लगवा के आते हैं ना हमारी सारी टेंशन खत्म हो जाती है क्योंकि मम्मी हमें इतना ज्यादा पूरा रिकवरी के लिए हमें इतना खिला देती है कि फिर ना वीकनेस वगैरह रहती नहीं है ये बन गए हैं भूख के लिए छोले और एक साइड पे बन गई है गोभी वो आप लोग मम्मी के ब्लॉग में देखना गोभी की रेसिपी और यहाँ पे बन गया है भोग के लिए अरबी ये ब्रेड पीछे कैसे पड़ी है गिर गई इसको हटाओ ये यहाँ रखो चलो और ये छोले निकल गए स्पेशली हमारे छोटे से कन्नुओं के लिए जो हमारे पैरेट्स हैं उनके लिए क्योंकि वो वैसे तेल मसाले की चीज नहीं खाते हैं तो इसलिए हम लोग ये अलग से उनके लिए उबाल के निकाल देते हैं और ये आलू का भी शायद कुछ बन रहा है तो अभी वो ऐसे ही रखे हैं भूख लगा दी है और ये है वो और ये कौन से उससे मोदक वाली शेप लग रही है अरे वो बहुत ज्यादा लिक्विडी थी तो वो मोदक की शेप थोड़ी चेंज हो गई वो फ्लैट हो गए तो कोई नहीं मोदक वैसे भी हम बहुत सारे खिला चुके हैं पप्पा को तो चॉकलेट मेन था मेरा बनाना मोटिव और अपने मोटिव में तू फेल हो चुकी है नहीं अब खा के बता कैसी है तुम खा के बताओ नहीं तू खा ना ले तू खा के बता दे मैं तो अच्छी बताऊंगी मैंने बनाई है तो फिर बट ये सच में चॉकलेट का टेस्ट ना बहुत अच्छा था बेशक इसकी शेप थोड़ी सी मोदक जैसी नहीं हो पाई शायद बिल्कुल भी नहीं हो पाई बट इसका टेस्ट सच में बहुत ज्यादा अच्छा था बदाम बहुत कम आ रहा है बस तूने वो छोटा वाला लिया होगा ना थैंक यू और यहाँ ये देखिए पूजा की शाम की तैयारी होने लगी थी और सारी चीज़ें हम लोग अरेंज करके रख रहे थे धीरे धीरे और अब बस कुछ ही देर बाद अब हम लोग पूजा करने वाले थे तो सब चीज़ कर दिया था और ये देखिए मेरे पापा कितने सुंदर लग रहे हैं तो अब हम बस यहाँ पे तिलक लगा रहे थे और सभी लोग आ गए थे घर पे और पूजा स्टार्ट हो चुकी थी और उसके बाद बस भोग लगाएंगे उसके बाद हम लोग विसर्जन करेंगे और जैसा जैसा होता रहेगा वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती रहूँगी तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और ये देखिए सभी लोग आ गए थे और उदास तो सभी लोग थे आप देख ही रहे हैं सबके चेहरे पर वही है यार आफ्टर ऑल कुछ कर तो नहीं सकते हैं ना बट हाँ ये था कि बहुत ही अच्छा लगा इन दिनों में बहुत ही मज़ा आया और मतलब
बहुत ही अच्छा लगा सीरियसली, कि लगा ही नहीं कि ऐसा लगता है कि कोई हमारे साथ सच में रह रहा है, और फिर जब जाते हैं तो ऐसा लगता है सच में कोई हमारे यहाँ से जा रहा है। बट यार बहुत ही अच्छा लगा इन दिनों में, बहुत मज़ा आया। और यहाँ ना सभी लोग एक एक करके आरती कर रहे थे, तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दी है। तो यहाँ पे सभी लोग आरती एक एक करके कर रहे थे ना, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही थी। तो यहाँ ना आरती हो चुकी थी और मम्मी पापा भगवान जी का भोग लगा रहे थे, और उसके बाद ना बहुत ज़्यादा मम्मी वगैरह तो इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और हम भी हो जाते हैं क्योंकि वो चीज़ तो मम्मी से ही आई है, मम्मी इतना इमोशनल हो जाती हैं इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पर सब लोग के चेहरे आप देख ही लीजिए, पहले इतने हंसी खुशी आए थे और अब थोड़ा सा उदास तो थे ही। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें मम्मी ने भोग के लिए बनाई थी, मम्मी सुबह से लगी हुई थी ये सब बनाने के लिए पप्पा के लिए, तो ये सब भोग लग रहा था। उसके बाद हम सब इस खाने को प्रसाद के तौर पे सब खाएंगे। और यहाँ पे फिर फाइनल टाइम आ गया था, हम लोग एक दूसरे के गुलाल लगा रहे थे, पापा के गुलाल लगाया था, और अब हम लोग फिर जा रहे थे विसर्जन के लिए। एक्चुअली ना यहाँ पे यमुना जी वगैरह भी गंदी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यार ये सब चीज़ों से थोड़ा सा अब वो लोग सफाई कर रहे हैं, जब गवर्नमेंट सफाई करवा रही है तो हमें गंदा नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोग अपने घर में ही एक ड्रम में कर रहे थे। उसके बाद वही सब जो जल होगा ना उसको हम लोग पेड़ पौधों में डाल देंगे, तो हम लोग भी ना कोई चीज़ गंदी नहीं कर रहे थे। और वैसे यहाँ पे विसर्जन के लिए जाते हैं कहीं ना वो देते हैं जैसे जहाँ पे विसर्जन करवाते हैं, बट अभी कोविड की वजह से वो सब भी नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम लोग ने अपने घर में ही एक ड्रम में विसर्जन किया था गणपति जी का। पकड़ ले चुन्नी हटानी है, रुक जाओ, ड्रम में ना इधर कहाँ से पूरे दो बार उसकी लगा के मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया एक बार हो ना दो बार सर पर हाथ में सर पर सर पर हाथ में जाओ और ये देखिए बप्पा जलमग्न हो चुके हैं। और अब हम फिर से अगले मतलब साल हम लोग बहुत वेट करते हैं इस दिन का, और वेट करेंगे बहुत जल्दी, और फिर अगले साल फिर से इसी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। गणपति जी मम्मी के यहाँ से तो जा चुके हैं, और सबके चेहरे बहुत ही ज़्यादा ना लाइक सैड साइड से हो गए हैं, क्योंकि ना बहुत ही सच में हम रखते हैं ना तो बहुत एकदम अपनापन हो जाता है, ऐसा लगता है कोई है घर पर, बट आज अभी वो गए हैं ना तो सब लोग बहुत उदास हैं, बट कोई कुछ कह नहीं रहा है क्योंकि सब ना रोने लग जाएंगे। और विसर्जन के बाद ना मैं यहाँ अपने घर आ गई थी पूजा करने के लिए, और ना मम्मी के यहाँ गणेश जी का विसर्जन हो चुका है, और मैं आ गई हूँ अपने गणपति जी की वहाँ पे पूजा करने, क्योंकि मुझे भी वापस से जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे गेस्ट हैं, तो इसलिए उनको भी अटेंड करना है। तो अभी मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, और उसके बाद मुझे फिर से घर जाना है और भोग लगाऊंगी। खाना पता है बहुत अजीब सा माहौल हो जाता है जब इनका विसर्जन करते हैं हम लोग, तो बट कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में। और अभी फ़िलहाल मैं इतनी खुश हुई ना जब मैं घर आई मैंने अपने गणेश जी को देखा, तो बट कल मुझे इनको भी अलविदा कहना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे पूजा करने के बाद। और आज भगवान जी के भोग के लिए है ये पुलाव और ये मटर पनीर, और पता है ये ना मैं मम्मी के घर से ही लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं अभी मम्मी के घर से आई थी, वहाँ पे गणेश जी का विसर्जन हुआ था, और पता है सारी चीज़ों का भोग लग गया, बट ये पुलाव और ये रह गए बाय चांस की बात है, शायद वो मेरे गणेश जी के लिए रह गए थे, क्योंकि मैं आज पूरे दिन मम्मी के पास ही थी ना, तो फिर इसलिए मैं
कुछ मैंने बनाया नहीं। मैं सोच रही थी मैं बाहर से कुछ लेके भोग लगा दूंगी या फिर कुछ हल्का फुल्का सा बना लूंगी, बट फिर मम्मी ने बोला अरे इन चीज़ों का तो भोग ही नहीं लगा, तो फिर तुम लगाया ना अपने यहाँ, तो मैंने सोचा चलो वाओ तो फिर इसका भोग लगा दूंगी मैं अभी। तो मैंने अभी पूजा कर ली है और ये मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। और हाँ, हमारे वैक्सीन भी लग गई थी, आपने देखा था ना आगे हम लोग के वैक्सीन भी लग गई। और पता है वैक्सीन जब लगवाने जा रहे थे ना इतना डर लग रहा था, बट जब लगाई ना तो पता ही नहीं चला सही में। और ये भी था कि ना वहाँ पे जो स्टाफ था ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था, क्योंकि वो लोग ना जैसे अगर थोड़ा सा भी रोने वोने लगो या वो करो ना तो यार भगा देते हैं कि हम नहीं लगा रहे, भैया जाओ तुम यहाँ से नाटक ही कर लो। तो भाई साहब जैसे तैसे, सबसे ज़्यादा मैं डरती हूँ, स्नेह डरता है, तो हम लोग ने भी इस बार जैसे तैसे लगवा ली, हम लोग ने बिल्कुल कोई नाटक नहीं करा, लगवा ली बस तो लग गई फिलहाल हमारे सेकंड डोज भी। और ना यहाँ पे सब लोग वापस जा रहे थे, और पता है हम लोग ने इन मैंने वीडियो इसलिए शूट नहीं करा क्योंकि मैं इन लोग को खाना वगैरह खिलवा रही थी ना, तो मैं शूट नहीं कर पाई, बट इन सब ने खाना खा लिया था और अब ये लोग अपने अपने घर जा रहे थे। तो हम लोग ने बहुत ही ज़्यादा मज़े करे और आई होप आप लोग को भी बहुत मज़ा आया होगा मेरे इन व्लॉग्स को देख के। देखिए जब सब लोग निकल रहे थे तो मेरे हस्बैंड भी आ गए, तो ये लोग सब बात करने लगे बाहर खड़े होके, दो तीन मिनट ऐसे ही खड़े होके, और ये मेरे को नमस्ते नहीं कर रहे हैं, कहीं किसी को लग रहा हो, ये मामी को नमस्ते कर रहे थे तो वही है। अब फिर ये लोग जा ही रहे थे, बस थोड़ी बहुत देर बात करने के लिए खड़े हो गए थे बाहर। चलो आओ सारे लोग बाय, ठीक है नमस्ते मामा, बाय बाय। अब यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं खाना, क्योंकि हम लोग ने खाया नहीं था, लोग खा रहे हैं खाना तीनों लोग। अच्छे लोगों की पहचान होती है जब गेस्ट चले जाए तब खाओ, है ना, गेस्ट को अच्छे से खिला के अब हम लोग खाएंगे उसके बाद मिलेंगे। यहाँ से मैं भी दफा हो रही थी और जा रही थी अपने घर। आज का दिन अच्छा ही रहा, बट एक ही चीज का दुख था कि गणेश जी जा चुके हैं हमारे। चलो बाय बाय, अब बाय बाय। चलो आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कंजूसी मत करना, और मिलूंगी अब मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।